वेलकम फ्रेंड्स टू द निकैमरा डॉट कॉम चैनल द बिग क्वेश्चन इज़ क्या आप निकॉन जेड एफ़ कैमरे को कंटेंट क्रिएशन के लिए यूज़ कर सकते हो एंड आई मस्ट टेल यू कि भैया आप आराम से निकॉन के जेड एफ़ कैमरे को कंटेंट क्रिएशन परपज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हो राइट नाउ आई एम यूजिंग निकॉन जेड एफ़ कैमरा फॉर कंटेंट क्रिएशन परपज़ और यहाँ पर आप देख सकते हो कि भैया इसकी धमाकेदार इतनी ज़्यादा एफ ट्रैकिंग को निकॉन वालों ने इम्प्रूव कर दिया है लेट वो यू एग्जाम्पल राइट नाउ राइट नाउ द कैमरा इज ट्रैकिंग माई आईज ओके एंड जस्ट वेन आई सी सो दिस लोगो कितने अच्छी तरीके से सिनेमेटिक वे में इसने फोकस किया है ठीक है एंड सिमिलरली बैक फे यहां पर आप देखोगे जब हम मेरे फेस पर बैक टू फोकस कर रहा है और जब ये आई ट्रैकिंग को एक्टिव रख रहा है ये सिनेमैटिक वे में बहुत ही अच्छी तरीके से ये नहीं कि जंप करके आपके ऊपर कूद जाना फोकस को जस्ट इन अ सिनेमैटिक वे जैसे कि प्रोफेशनल सिनेमा कैमरे करते हैं आई एम आई एम यूजर ऑफ़ सोनी एंड कैनन कैमराज फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम एंड द वे दैट निकॉन इज हैंडलिंग द ऑटो फोकस राइट नाउ एंड द वे इट इज़ कोई भी जंपिंग नहीं कोई भी आप फोकस ब्रीदिंग की इश्यूज़ आप खुद यहाँ पर नोटिस करके मुझे बताओ दैट देर इज एनी इश्यू रिलेटेड फोकस ब्रीदिंग और ए एफ में कोई भी एक आपको इश्यू दिख रहा है आई एम डूइंग इट मैं बार बार कर रहा हूँ मे भी आपको थोड़ा सा अनोइंग लगे बट ये जरूरी है इसलिए कि यहाँ पर आपको भी एक क्लियरिटी मिले बट एक चीज आपने ध्यान में रखनी है जिसे मुझे आपने बताना जरूरी है दैट इफ यू क्रिएट बिट बिट फाइल्स अगर आप इसे -2 -2, 10 की इंटरनल रिकॉर्डिंग कर रहे हो फोर की ट्वेंटी फोर थर्टी की इट क्रिएट वेरी यूज फाइल तो उस समय आपका एक तगड़ा कंप्यूटर आपके साथ रहना चाहिए अदरवाइज यहाँ पर एट बिट की रिकॉर्डिंग भी ऑप्शन भी है भैया फुल एच की ऑप्शन है ही है ये कैमरा

डिपेंड करता है भाई आप जिस तरह की मशीन यूज करें उस तरह की आपने रिकॉर्डिंग करनी है ये कैमरा कहीं से पीछे नहीं हटने वाला अगर आप हाई एंड एडिटर हो तो आप आराम से इसमें इंटरनल रिकॉर्डिंग कर सकते हो साथ ही साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं इसके साथ आपको ऐड कर दैट कि अभी फिलहाल अंडर टू लाख के अंदर जेड ही एक ऐसा कैमरा है जिसे आप अपने कंटेंट क्रिएशन के लिए भी यूज कर सकते हो सो अदर देन दैट जेड सिक्स मार्क टू की बातें कर ले लेड सेवन मार्क टू की बातें कर ले दिस इज द ओनली कैमरा दैट कम्स विद विदेरी एंगल डिस्ट्री प्ले स्क्रीन एंड चेरी ऑन टॉप थिंग स्टॉप्स की आईवीएस मैकेनिज्म है इससे क्या होगा कि मान लो अगर आपने हैंड हेल्ड शॉर्ट्स भी एक दो लेने हैं तो इससे काफी ज्यादा स्टेबल फुटेज आप निकाल सकते हो एंड मोर एंड लेस इसकी बैटरी बैकअप भैया ई e एन ई -E एल फिफ्टीन सी की जो है बहुत बहुत जबरदस्त है ना अपार्ट फ्रॉम द वेरी एंगल डिस्प्ले स्क्रीन एंड एट स्टॉप ऑफ आई बी एस जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है जिसको लेकर मेरे पास कई सारे सवाल आए कि सर क्या जेड एफ ओवर हीट होगा मैंने जेड एफ की मल्टीपल ओवर हीटिंग टेस्ट की भैया मेरे से तो ओवर हीट नहीं हुआ ट नहीं हुआ औरटिंग टेस्ट की वीडियो भी देख सकते हो सो फाइनली दो लाख के अंदर अगर आप एक परफेक्ट कैमरा ढूंढ रहे फॉर प्रोफेशनल फोटोग्राफी एज वेल एज फॉर प्रोफेशनल कंटेंट क्रिएशन जेड एफ इज योर्स जेड एफ कैमरा आप आराम से परचेज करो और आप इस वक्त देख सकते हो कि जिस लेवल का ये कंटेंट जनरेट कर रहा है अफकोर्स राइट नाउ आई एम यूजिंग ए निकॉन एफ एट लेंस ओवर माई जेड एफ कैमरा सो दिस इज द बेस्ट लेंस फॉर मी आप फोर्टी एम एम की लेंस भी ट्राई कर सकते हो अगर आप थोड़ा बजट में परचेजिंग करना चाह रहे हो अदरवाइज फिफ्टी एम एम एफ पॉइंट एट इज द बेस्ट लेंस फॉर दिस कैमरा फॉर रिकॉर्डिंग विडियोज स्पेसिफिकली कंटेंट एंड इवन फॉर सिनेटोग्राफी परपसिंग फिफ्टी एम एम इज द बेस्ट लेंस सो दिस ऑजर वीडियो टूडे आई होप यू लाइक इट वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक करना नहीं भूल जाना नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लो फॉर फ्यूचर अपडेट्स लाइव न्यूज रिपोर्ट